आज क्या स्टार्ट करने जा रहा है? आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो निकालने का तरीका, पाउडर फैक्टर कैलकुलेशन और एक परसेंटेज एक्सट्रैक्शन के बारे में। तुम लोग से है ना, अगर क्वेश्चन कुछ पूछना चाहिए तो क्वेश्चन यहीं से पूछ लेना चाहिए, ज्यादा डिटेल में तुम लोग से पूछेगा नहीं क्वेश्चन। तो स्टार्ट कर देते हैं, ये परसेंटेज एक्सट्रैक्शन ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कि परसेंटेज एक्सट्रैक्शन कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो ये बोर्ड एंड पिलर मेथड वाला है। ये पिलर है, ठीक है? ये जो ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड वगैरह नहीं है, उसी से मेनली निकला है, इसका जो भी फॉर्मूला निकला हुआ है। तो हम इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, परसेंटेज एक्सट्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है? बीसीसीएल के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये हम लोग क्या देखे हैं, जो 111 नंबर रेगुलेशन है ना, कि ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ रहता है। जो 111 नंबर रेगुलेशन में क्या दिया हुआ है, डेप्थ के अकॉर्डिंग पिलर का साइज, मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होगा, और गैलरी दिया हुआ है कि ये गैलरी का हाइट, मतलब गैलरी का विड्थ 3.2 मीटर से अधिक नहीं होगा। 4.2 है, 4.8 है, 3 मीटर दिया हुआ है, 3, 3.6, 4.2, 4.8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दोनों को मिला करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो सीधा दे देगा कि जो पिलर का साइज है हम यहाँ पे है ना, W मान रहे हैं पिलर का साइज, और गैलरी का जो विड्थ है ना, पूरा गैलरी का विड्थ ये B/2 है, और B/2 है, मिलके क्या बन रहा है, B बन जाएगा, ठीक है? ये B/2 है और ये B/2 है। तो पूछता है कि परसेंटेज एक्सट्रैक्शन होगा क्या? तो परसेंटेज एक्सट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस विड्थ ऑफ द पिलर डिवाइड बाय विड्थ प्लस गैलरी का स्क्वायर। ये परसेंटेज एक्सट्रैक्शन होता है, इनटू 100 कर देना, अगर आर यहाँ रहेगा, परसेंटेज लिख दिया मतलब 30/100 कुछ भी रहेगा परसेंटेज में, ठीक है? तो ये बेसिकली आया कहाँ से है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, डब्लू प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस डब्लू का स्क्वायर डिवाइड बाय डब्लू प्लस बी का होल स्क्वायर, इंटू 100 कर दो, ये आर निकल जाता है, एक्सट्रैक्शन कितना होगा। तो मतलब क्या कि ये स्टार्टिंग में अगर मान लो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ पिलर का, देखो ये कहना क्या चाह रहा है, मीनिंग समझो, सब जो हम लिखे हुए टर्मिनोलॉजी उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। ये W प्लस बी क्या है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द पिलर, और W क्या है, ये W को कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है? या पिलर का साइज, ये एग्जैक्ट पिलर का साइज हो गया, पिलर का विड्थ क्या है वो दिया हुआ है, साइज ऑफ पिलर, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस। और नीचे क्या हो गया, यही वाला डिस्टेंस हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये एक तरीके से फॉर्मूला क्या हो गया, आर बराबर निकालने का तरीका, कि अगर पूछ दिया परसेंटेज एक्सट्रैक्शन क्या होगा, जब दे देगा क्वेश्चन में कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो दिया हुआ है, सी टू सी, सेंटर टू सेंटर, कॉर्नर टू कॉर्नर मत समझना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मान लो दे दिया है 30 मीटर, और दे दिया है कि विड्थ ऑफ द जो गैलरी है वो 4 मीटर है, तो बोलेगा क्या कि परसेंटेज एक्सट्रैक्शन बताइए कितना होगा।
परसेंटेज सेक्शन पूछेगा कितना होगा, तो क्या होगा परसेंटेज, मतलब क्या दिया हुआ है इस पिक्चर में, हम यहाँ ड्रॉ कर दे रहे हैं। कि हम पूरा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, एक तरीके कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस ये दे दिया है 30 मीटर। सेकेंड में क्या दे दिया है, विड्थ ऑफ द गैलरी। अब देखो यहां पे विड्थ ऑफ द गैलरी क्या हो गया, ये बी बाय टू है, ये बी बाय टू है, एक तरीके से क्या ये दो हो गया, ये भी दो हो जाएगा, चार दिया हुआ है, हाफ है, ये तो हाफ ही ले रहे हैं ना, गैलरी तो पूरा है लेकिन हम लोग हाफ पोर्शन ले रहे हैं, लेकिन ओवरऑल क्या हो जा रहा है, मिला के चार हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला, जो कि 30 का स्क्वायर माइनस से पिलर का, और 30 में ये दो माइनस ये दो कर देंगे, ये 30 में माइनस ये दो करेंगे तो मेरा पिलर का साइज निकल जाएगा, ये पिलर का निकल जाएगा चौड़ाई क्या है, तो 30 माइनस 26 का स्क्वायर डिवाइड बाय 30 का स्क्वायर और इंटू 100 कर दो। इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लिख लेते हैं, बोले सर ऊपर नीचे हो गया है, मतलब यहां से परसेंटेज एक्सटेंशन क्या होगा, 30 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर डिवाइड बाय 30 का स्क्वायर इंटू 100 कर दो। यही होता है परसेंटेज एक्सट्रैक्शन का फॉर्मूला, यहां से जो भी निकलेगा ये आ जाएगा परसेंटेज एक्सट्रैक्शन, कितना आ जाएगा, ये 900 हो जाएगा, 26 26 कितना होता है 576 होता है, ये 900 हो गया इंटू 100 हो गया, कटोटे कितना आ जाएगा 527 538 324 900 इंटू 100, ये 9 बार में कट गया, कटेगा 3 से, 9 ही से काट के देखो, 9 तिया 27, 5 9 6 54, मतलब 36, अच्छा 676 है ना, ये 26 26 676 हो गया, तो ये 224 बचेगा, तो 9 से काट के देखो कितना पॉइंट में आता है, 9 दुना 18 4 44, मतलब 9 25 45, 9 6 36, 9 36 8, मतलब 9, मतलब मान के चलो लगभग ये 24.8% ऐसा कुछ आ गया, ये तो वहां निकल गया परसेंटेज एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया परसेंटेज, बी क्या है, बी तो बताया ना विड्थ ऑफ द, बी क्या है सिर्फ अगर बी बोलेंगे तो बी विड्थ ऑफ द गैलरी है, पूरा गैलरी का विड्थ है। 30 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, तुम लोग क्या सीधा रटना है फॉर्मूला में कि परसेंटेज एक्सट्रैक्शन क्या होता है, कि विड्थ ऑफ द पिलर प्लस गैलरी का विड्थ का स्क्वायर माइनस सिर्फ पिलर का विड्थ डिवाइड बाय विड्थ ऑफ द पिलर प्लस गैलरी का स्क्वायर इंटू 100, बस यही तुम लोग का ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला यही तुम लोग को ध्यान रखना है कि विड्थ ऑफ द पिलर प्लस गैलरी का दोनों जोड़ के स्क्वायर माइनस सिर्फ पिलर का स्क्वायर डिवाइड, मतलब पिलर का विड्थ का स्क्वायर डिवाइड बाय विड्थ ऑफ द गैलरी प्लस विड्थ ऑफ द पिलर है दोनों का स्क्वायर, मतलब एक तरीके से ये क्या है कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस, और ये सिर्फ पिलर का, कॉर्नर नहीं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और पिलर को बोलते हैं हम लोग कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस। दूसरा क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो इसमें, कि विड्थ ऑफ द जो गैलरी W प्लस बी जो है ना, ये मान लो दे दिया है 25 मीटर, और विड्थ ऑफ द गैलरी दे दिया है 21 मीटर, 21 नहीं, विड्थ ऑफ द गैलरी 4 मीटर, तो बोले है कि परसेंटेज एक्सट्रैक्शन बताओ कितना होगा। सभी लोग सॉल्व करो, बस यही फॉर्मूला में रटना है और कुछ नहीं,
इसी फॉर्मूला में सिर्फ पुट करना है, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है सभी लोग, इसको सॉल्व करो। क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, 25 का स्क्वायर कर दो माइनस 21 का स्क्वायर कर दो डिवाइड बाय 25 का स्क्वायर कर दो, बस इतना सॉल्व करना सभी को आता होगा तो आंसर आ जाएगा, अगर इतना सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आंसर नहीं आएगा। क्योंकि एग्जाम में तो कैलकुलेटर देगा नहीं, तो तुम लोग हाथ से ही सॉल्व करना होगा। ये क्या निकाल दियो यार, कितना परसेंटेज हो गया, 97.44%। कहीं गलत किए हो चेक करो। इतना कहां से आएगा यार, ठीक है 29.44% ये हो गया परसेंटेज एक्सट्रैक्शन। ठीक है ठीक है, सभी का आंसर आ गया ना, W ये है, देखो W यहाँ पिक्चर में दिखाया नहीं, ये W है, ये जो यहां से यहां जो डिस्टेंस, ये W है विड्थ ऑफ द पिलर, और ये W प्लस बी है, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये W प्लस बी है। कैसे हुआ ये W प्लस ये बी बाय टू प्लस ये बी बाय टू, W प्लस बी ही हुआ था ना। हाँ हाँ सारा फॉर्मूला यही है, सारा फॉर्मूला सेम है, तुम लोग जो इसी को तुम इधर करके कर दिए है ना, वही सेम फॉर्मूला है, देख लेना इसका। हम सोल्व नहीं, एग्जैक्ट आंसर पे नहीं ला रहे हैं, अगर 29.44 आ रहा होगा कहीं, देख लो क्या है लास्ट में, 184 इंटू 4 डिवाइड बाय 25 कर दो, ठीक है जो भी आंसर आएगा यही होगा। ठीक है ये आंसर हो जाएगा तुम लोग का। अब इसी क्वेश्चन को टफ क्या कर देगा, वो क्या बोलेगा एग्जाम में क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ करना चाहेगा, ठीक है, कि एज पर रेगुलेशन नंबर 111 डेप्थ ऑफ सीम, मतलब डेप्थ ऑफ कॉल सीम फ्रॉम सरफेस ये बोल देगा 80 मीटर है, ठीक है, और विड्थ ऑफ द गैलरी, विड्थ ऑफ द गैलरी ये बोल देगा कि 3.5 है मीटर है, तो बोलेगा कि परसेंटेज एक्सट्रैक्शन निकाल के बताइए कि परसेंटेज एक्सट्रैक्शन क्या होगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, अब हम लोग को सोचना होगा कि रेगुलेशन नंबर 111 में क्या डाटा दिया हुआ है वो टेबल में। तो हम लोग क्या जानते हैं कि स्टार्टिंग में क्या है कि नॉट एक्सीडिंग 60 मीटर वाला डेप्थ है, कि नॉट एक्सीडिंग 60 मीटर दिया हुआ है डेप्थ। सेकेंड में दिया हुआ है कि एक्सीडिंग 60 मीटर 60 से ज्यादा
बट नॉट एक्सीडिंग, ठीक है, बट नॉट एक्सीडिंग 90 मीटर। और यहां पे क्या दिया हुआ है गैलरी का, कि विड्थ ऑफ द गैलरी डज नॉट एक्सीड 3 मीटर, मतलब गैलरी का विड्थ 3 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। यहां पे क्या दिया है गैलरी का विड्थ 3.6 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। तो केस कहाँ का है, यहां से स्टार्ट होता है, 12 से स्टार्ट करते हैं, 12 15 इस तरीके से जाता है 18 करके, नीचे आते हैं 13.5 लिखते हैं, फिर यहाँ 3 से बढ़ाते हैं, ये 16.5 हो गया। तो मतलब देखो ये डाटा यहाँ से निकला, ये डाटा हम लोग का टेबल से निकलेगा, इसके अकॉर्डिंग देखें हम लोग कैसे रीड किए जो डाटा दिया हुआ है उसको, कि डेप्थ ऑफ द कोल सीम फ्रॉम सरफेस 80 मीटर दिया हुआ है, तो 80 मीटर 60 और 90 के बीच में लाई करेगा, और गैलरी का विड्थ दे दिया है 3.5 मीटर, तो गैलरी का विड्थ यहाँ है कि 3.6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब ये डिस्टेंस क्या दिया है यहाँ पे, ये पिलर है, ये दूसरा पिलर इसका इधर है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर दिए क्वेश्चन में, रेगुलेशन का यूज कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या, ये जो डाटा दिया हुआ है 16.5 ये दिया हुआ है, मतलब डब्ल्यू प्लस बी, और बी कितना दिया हुआ है, बी 3.5 दिया हुआ है, मतलब ये और ये पूरा मिला के कितना होगा, मतलब ये 3.5/2 हो जाएगा, ये भी 3.5/2 दोनों मिला के 3.5 हो जाएगा। तो कैसे बनेगा यहां से, तो 1 माइनस डब्ल्यू प्लस बी, या तुम लोग जो फॉर्मूला बताए ठीक है वो दोनों सेम ही है, डब्ल्यू प्लस बी का स्क्वायर माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर, तो माइनस डब्ल्यू क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ द पिलर है, तो 16.5 ये पूरा यहां से यहां तक में अगर हम लोग ये 3.5 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, माइनस 13 का स्क्वायर डिवाइड बाय 16.5 का स्क्वायर इंटू 100, तो ये जो तुम्हारा आ गया वो परसेंटेज एक्सट्रैक्शन आ गया। तो क्वेश्चन परसेंटेज एक्सट्रैक्शन से हो सकता है, ठीक है, अंडरग्राउंड सा है, अंडरग्राउंड का है, तो क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, कैसे सॉल्व करना है स्टेप उसका यही है, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, या इनडायरेक्ट क्वेश्चन रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पूछ सकता है। तो तुमको क्या करना होगा, पहले तो रेगुलेशन नंबर 111 का डाटा टेबल पूरा पता होना चाहिए कि कौन सा टेबल में क्या वैल्यू दिया हुआ है, फिर उस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग को डाटा वहां से निकालना है, मेन ये निकाल लेना है, ये निकल जाएगा और ये चाहिए यहाँ पे दिया हुआ गैलरी का विड्थ, बस इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है, थर्टी सेवन पॉइंट नाइन, क्या दिक्कत है विपुल, फॉर्मूला यही है लिख लो, हम यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये जो है ना, हाँ बोलो, हाँ कौन सा डाटा, हाँ, नहीं बी कहाँ बोल रहे, बी तो बी पूरा है ना, यहां से यहां का डिस्टेंस बी है ना, ये पूरा गैलरी का दिया हुआ रहता है, लेकिन हम लोग कितना लेते हैं, हाफ यहाँ का लेते हैं हाफ यहाँ का लेते हैं, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 3.5 ही आएगा ना ये, हाँ वह इसका स्क्वायर कर देना, ये जो फॉर्मूला में है कि डब्ल्यू प्लस बी मतलब पिलर प्लस गैलरी का दोनों को जोड़ के स्क्वायर, ठीक है, माइनस सिर्फ पिलर का साइज का स्क्वायर या पिलर का चौड़ाई का स्क्वायर डिवाइड बाय पिलर प्लस गैलरी का जोड़ के स्क्वायर कर दो इंटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा 37.92% हो गया, जो लड़का लोग बताया उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, हम सोल्व नहीं किए, ठीक है ना, 38.33 भी कोई बोल रहा है,
ठीक है, हम आंसर नहीं बता रहे हैं एग्जैक्ट आंसर क्या, लेकिन आंसर तुम लोग कैलकुलेटर सॉल्व कर लेना, ठीक है? कैलकुलेटर नहीं, मतलब हाथ से ही सॉल्व करना होगा। बोलो निहिर। हाँ वहां पे 100 नहीं है, हाँ तो देखो यहाँ पे क्या, हम क्या यहाँ पे क्या लिखे हैं, परसेंटेज आर लिख दिए हैं ना, परसेंटेज। अगर मान लो 30% दिया हुआ है, ठीक है ना, तो 30/100 करेंगे ना हम लोग, तो 100 एक तरीके से यहाँ पे आ जाता है, ये 100 है ना, यहाँ पे 100 लिख लो तुम, ठीक है? परसेंटेज मतलब क्या, जो भी है लास्ट में। तुम्हारा आवाज कट जा रहा है यार। हाँ, कुछ नहीं, ठीक, उधर से ही कट कर दो। एक क्वेश्चन और तुम लोग सॉल्व करो इसमें, क्या दिक्कत है प्रशांत? क्या बोल रहे हो प्रशांत? फास्ट बोलो। खुर्शीद, खुर्शीद बोलो। क्या बताओ, पिक्चर यहाँ है, बताओ क्या बताएं? सेंटर टू सेंटर, ये सेंट मान लो ये गैलरी है, ठीक है, ये गैलरी का सेंटर हुआ, ये है, इधर भी ये गैलरी है पूरा, ये गैलरी का सेंटर हुआ, ये डिस्टेंस क्या हो गया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। इसमें क्या क्या आ गया, ये पिलर आ गया बीच वाला, और ये गैलरी इधर हाफ गैलरी बचा ये, और हाफ गैलरी यहां का आया, तो दोनों को जोड़ के W+B लिख सकते हैं ना, ठीक है? ठीक, क्या बोल रहे हो यार, इसका आंसर चेक कर दें, ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। इसका बोल रहे हैं आंसर चेक करना, हम आंसर चेक कर लेते हैं, कैलकुलेटर से ही हम चेक करते हैं आंसर। 16.5 का स्क्वायर -169 डिवाइड बाय 16.5 का स्क्वायर इंटू 100, 37.92 है, सही है, ठीक है? थर्टी सेवन पॉइंट 92% ये सही आंसर है। देखो क्वेश्चन यही ऐसा ही क्वेश्चन रहने वाला, लेकिन क्या हो सकता है, तुमसे कभी उल्टा पूछ दे, ठीक है? तुमसे क्या पूछ सकता है कभी, इसी क्वेश्चन है, मान लो ऐसा दे दे क्वेश्चन कि परसेंटेज जो एक्सट्रैक्शन है ना, कि बोर्ड एंड पिलर मेथड से हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, कि परसेंटेज एक्सट्रैक्शन दे दिया है 30%, ठीक है, परसेंटेज एक्सट्रैक्शन कितना है 30%, और यहां पर दे दिया है कि विड्थ ऑफ द पिलर विड्थ ऑफ द पिलर कि ये 25 मीटर है, तो बोलेगा बताइए कि गैलरी का विड्थ क्या है, तो क्या पूछ देगा कि गैलरी का विड्थ क्या है, तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, बस उसी तरीके से, यहां भी ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कि W+B का स्क्वायर -W का स्क्वायर डिवाइड बाय W+B का स्क्वायर इंटू 100, ये परसेंटेज में हो गया ऑलरेडी, तो आर को यहां लिख दो 30, ये 30 दे दिया है,
डब्ल्यू प्लस बी, तो 25 प्लस बी का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर डिवाइड बाय 25 प्लस बी का स्क्वायर इंटू 100। हाँ, पिलर जो है, पिलर का अगर साइज दिया हुआ रहता है ना, विड्थ ऑफ द पिलर, मतलब वो कॉर्नर टू कॉर्नर, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर का साइज, और सेंटर टू सेंटर बोलेगा तो आधा गैलरी उसमें आ जाता है, हाफ गैलरी आ जाता है उसमें। पिलर का अगर साइज दिया हुआ है तो वो सेंट मतलब कॉर्नर दिया हुआ है, ठीक है। अगर विड्थ ऑफ द पिलर मतलब क्या हम बताएं कि सिर्फ पिलर का विड्थ दिया हुआ है, इसमें गैलरी वगैरह नहीं है, तो हमको गैलरी का अब साइज निकालना है, हमको गैलरी ही निकालना है, गैलरी का विड्थ क्या होगा। तो अब इसको सोल्व करो कि 30/100, इसको क्या लिख सकते हैं कि वन अलग अलग करेंगे तो वन हो जाएगा, माइनस 25/25 प्लस बी का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, जो मेरा मेन फॉर्मूला यही था, हम इसीलिए इस फॉर्मूला को यहाँ लिखे हुए थे, ये जो फॉर्मूला लिखे हुए थे ना, इस तरीके से ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहता है, सीधा यहीं पे लिख देते हैं एक लाइन में। अब क्या करना है, इसको इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको पहले 0.3 लिख देते हैं, 1 माइनस 25/25 प्लस बी का स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेटर तुम लोग अलाउ नहीं करता है, लेकिन कैलकुलेटर अलाउ करने से सब क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, तुरंत बनता है। अब क्या लिख सकते हैं, 25/25 प्लस बी का स्क्वायर 1 माइनस 0.3, यहां आ गए। अब क्या लिख सकते हैं, 25/25 प्लस बी का स्क्वायर 0.7। अब इधर से स्क्वायर हटा के उधर रूट लगा देंगे, अब बोलेगा सर रूट सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। लास्ट में क्या है, इसमें रूट सॉल्व का, क्योंकि बीसीएल में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, बीसीएल क्वेश्चन ध्यान करना तुम लोग, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था वो। तो क्वेश्चन वाला को चाहिए कि अगर कैलकुलेटर नहीं दे रहा है ना, तो यहाँ पे 0.7 ना आए, यहाँ पे कुछ अच्छा डाटा आ जाए, 0.9 आ जाए, ठीक है ना, कुछ वैसा वाला डाटा आ जाए, 0.9 आ जाए, जिसका हम लोग तुरंत इजिली स्क्वायर रूट निकाल पाए। तो 25 मैन है कि 0.7 का यहां रूट निकाल दो, आंसर आ गया। कितना आ रहा है, कैलकुलेटर तो इजीली आ जाएगा, √7/10 करो, √7 मतलब ये कितने के लगभग आ रहा है, 27, 2.7 अगर करते हैं तो कितने के लगभग जा रहा है। मतलब इस तरीके से हम लोग क्या करना होगा एग्जाम में, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि एग्जैक्ट तो 0.7 का रूट हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, और निकालने में थोड़ा तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ा नजदीक वाला वैल्यू पे आएंगे। बीसीएल में आया हुआ है ना, बीसीएल में तो आया हुआ है क्वेश्चन, वो माइनिंग सरदार का था या ओवरमैन का था, बीसीएल में क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा, ठीक है। तो देखो हम क्या बता रहे हैं कि क्वेश्चन तुमको रूट वगैरह में नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर यहां पे 0.7 के जगह पे अगर कुछ दूसरा डाटा रहता है, कुछ दूसरा डाटा रहता है, जैसे मान लो ये इस तरीके से रहता है, 25/25 प्लस बी का स्क्वायर, अगर यहीं पे क्या रहता है, 0.16 रहता है। अब ये हटा के हम लोग यहां लगाते हैं रूट, सीधा क्या आता है, 25/25 प्लस बी 0.4। जीरो पॉइंट जीरो फोर हो जाता, क्योंकि 0.16 डिवाइड बाय पॉइंट हटा के 100 करते हैं तो 4/4/10 है ना, 0.4 आ गया, सीधा 0.4 आ जाता था। अब सॉल्व करना इजी था, 25 और 25 प्लस बी का 0.4। देखो तुम लोग के एग्जाम में हो सकता है कि वैसा डाटा दे कि जो हाथ से सोल्व हो जाए, ठीक है ना, हाथ से सोल्व होने वाला डाटा देगा, √07 का वैल्यू 0.83, सोल्व कर दो तो हो सकता है। हम तो एक एग्जाम्पल ले लिए जस्ट, ठीक है। एग्जाम में क्या चाहिए कि उसको पता है एग्जामिनर को कि लड़का लोग
को कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो उसको क्या चाहिए कि एग्जामिनर खुद पहले क्वेश्चन सॉल्व करके देखना होगा कि हमको कहीं कैलकुलेटर का तो जरूरत नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा डाटा देना वो। अभी जैसे हम 0.16 ले लिए तो कितना इजी कैलकुलेशन हो गया, 0. हम जैसे 16 ले लिए तो कैलकुलेशन देखो कितना इजी हो गया, ये हाथ से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। सभी को क्लियर है ये पिलर एक्सट्रैक्शन, सभी को क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। एक दो तीन एग्जाम्पल तो हो गया।